नारनौल विधानसभा में इस समय हम खड़े हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार दो बार से जीत रहे ओम प्रकाश यादव जी और कांग्रेस से राव नरेंद्र सिंह मैदान में हैं। आपको बता दें कि ओम प्रकाश यादव लगातार तीसरी बार ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं उनके टक्कर देने वाले जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो हैं राव नरेंद्र सिंह। लोग बैठे हैं यहाँ पर चाय की थड़ी पर, चाय का आनंद ले रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। ओम प्रकाश जी ADO साहब और राव नरेंद्र सिंह जी दोनों जने मैदान में हैं। ओम प्रकाश जी तीसरी बार लड़ रहे हैं, क्या माहौल है? बढ़िया जीत है, किस और की, एक तरफा जीत सब किसी। क्या क्या ऐसे काम हैं जो उन्होंने करवाए? एक तो आम आदमी के लिए सबके लिए बड़ा, कोई भी जाए सभी से हाथ मिलाकर रेस्पेक्ट करता है। और अगर थोड़ा घमंड कोई दिखाई नहीं देते, और वो काम एक नंबर, कोई भी आम आदमी चल जाए उसी के लिए साथ रहता है, इसलिए लोग उसके साथ हैं। तो बढ़िया काम रहेगा उसका। अब यहाँ पर एक बात यह है कि 10 साल कांग्रेस ने भी शासन करा यहाँ पे और 10 साल अब BJP शासन कर चुकी है, तीसरी बार के लिए है अब ये सारी लड़ाई कि तीसरी बार कांग्रेस आएगी या तीसरी बार भाजपा आएगी, आप क्या क्या लगता है आपको? हमें तीसरी बार भाजपा से, जितना विकास हुआ है इसी 10 साल की योजना के अंदर हुए हैं, इससे पहले कोई काम ही नहीं हुआ, न रोड का हुआ, न बिजली का, न पानी का, हर जगह BJP की लहर है। और ये कहा जा रहा है कि 10 साल जब कांग्रेस का शासन था तब जो आपके जो दक्षिणी हरियाणा की अगर बात करें तो वहाँ के जो लोग बाग थे रोज़गार के लिए उन्हें परेशान होना पड़ता था, लेकिन इन 10 सालों के अंदर ऐसी कोई बात देखने को नहीं मिली, सच है भाई साहब? पहले जो था ना वो ज़्यादा ख़राब था, अब ये 3200 योजना ये जो BJP की सरकार बनी है इसमें ज़्यादा विकास हुए हर जगह, हमारे दक्षिणी बैकवर्ड के अंदर था, अब यहाँ पर चमन हो गया, मेडिकल कॉलेज आ गई, अब आ गया इंडस्ट्रीज एरिया हो गया, यहाँ रोज़गार बढ़ा है, घटा नहीं है। तो इसलिए हर युवा, नौजवान, बूढ़ा सभी BJP को वोट देने के लिए इच्छुक है। चलिए और भी बात करते हैं, एक बुज़ुर्ग है हमारे साथ यहाँ पर, भाई साहब क्या कहना चाहोगे आप? किस चीज़ के बारे में? ओम प्रकाश ADO या राव नरेंद्र सिंह? ओम प्रकाश ADO, यहाँ तो इसी का वर्चस्व है। हाँ जी, और यहाँ पे भाई आपने 10 साल कांग्रेस का भी शासन आपने देखा होगा, 10 साल से आप BJP का भी शासन आप देख रहे हो, तो दोनों शासन का अगर हम कंपेयर अगर करें तो क्या लगता है आपको? विकास खूब हुए हैं जी, रोड बन गए, पानी की व्यवस्था हो गई, ये डेजर्ट एरिया था इसमें नहर का पानी आखिरी टेल तक पहुंच गया, लोगों में खुशी की लहर है। हाँ जी, और शिक्षा के उस पर बात करें, शिक्षा का प्राइवेट को ज़्यादा इसमें, ये तो है इसमें प्राइवेट का ज़्यादा इसमें चल रहा है, सरकारी जो स्कूलें हैं ना वो ठप पड़ी हैं प्राइवेट पे, अब ये जनता में इनका कुछ ना कुछ इनका अंकुश लगाना चाहिए ना, आम गरीब आदमी पढ़ा नहीं सकता। हाँ, इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। महिला सुरक्षा की अगर बात करें तो उसके लिए? महिला सुरक्षा भी देखो, वो तो जो गलत है वो तो गलत ही है, न ज़बरदस्ती किसी के साथ है नहीं, ठीक है जो काम हो रहा है। अब कोई एक ऐसा काम जो आपको लगता है, जैसे आपने बताया कि हर मोर्चे पे लगभग यहाँ पे पिछले 10 साल में काम हुए हैं, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि ये भी हो जाए तो और बढ़िया रहे? ये अगर ये चीज़ें हैं, ये तो ज़रूरत की तो सभी चीज़ें हैं, किसान के ये छोटी छोटी रेवड़ियाँ दे रहे हैं ना, इसकी बजाय किसान को बीज, खाद, दवाई ये सस्ती मिले तो और भी बेहतर काम होगा। हाँ, शिक्षा के लिए क्या कह रहे थे आप एक बार? शिक्षा के लिए मैं ये कह रहा था कि ये जो प्राइवेट को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं ना, ये बंद किया जाए, स्कूलों में वो पढ़ाई क्यों ना कर रही जाए, आम आदमी वहाँ जो सुविधा ले सके। अब अगर दोनों कैंडिडेट की बात करें तो नरेंद्र सिंह जी से मिलना आसान है या ADO साहब से मिलना आसान? अब वो तो पहले भी ये तो खैर लोकल हैं, दोनों से ही आसान है मिलना, कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो लोकल हैं यहाँ के, बाहर के तो हैं नहीं, लोकल हैं, वो भी मदद करते रहते हैं, ये भी मदद करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तीसरी बार ADO साहब आ रहे हैं? हाँ, अब की बार आ रहे हैं। एक बाबूजी आपसे जानना चाहेंगे कि बीच बीच में कहीं कहीं पे ये भी बात हो रही है कि शायद सैनी समाज थोड़ा सा नाराज चल रहा था ADO साहब से, वो सुनने में आया है जी कि नायब साहब यहाँ आए थे और वो उनका हो गया फिर नाराजगी दूर हो गई? हाँ, दूर हो गई।
सुना आपने नाराज़गी दूर हो गई है सैनी समाज की, और तीसरी बार फिर से ओम प्रकाश यादव जी एडीओ साहब को ये लेकर आ रहे हैं, और भी लड़के भी कुछ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, युवा जनता। कहाँ के हो आप? पावटा। यहाँ कब से हो? अभी आए, सो एक घंटा पहले। हाँ, चुनावी चर्चा तो चल ही रही है, तो आपको क्या सुनने में? मतलब राजनीति से? राजनीति से कोई मतलब नहीं है, आप यहीं के लोकल हो? आप लोकल हो यहाँ के? आप भी लोकल नहीं हो। चलिए कुछ और स्थानीय लोगों से बात करेंगे, लेकिन अभी तक की जो भी बात समझ में यहाँ पर आई है कि 10 साल का कांग्रेस का शासन, 10 साल का बीजेपी का शासन, और तीसरी बार शासन अब किसके हाथों में जाएगा? शासन की जो चाबी है, सत्ता की जो चाबी है, वो किसके हाथ में जाएगी? वो तो खैर चुनावों के बाद पता पड़ेगा, लेकिन अभी की अगर हम बात कर लें विशेष तौर पर नारनौल विधानसभा सीट की, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक बार फिर से तीसरी बार नारनौल विधानसभा सीट से ओम प्रकाश यादव क्लीन स्वीप तो नहीं कह सकते, लेकिन जीत मिलती उनको दिखाई दे रही है। कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे हम। जिस प्रकार से शिक्षा की अगर यहाँ पर बात देखी जाए, तो शिक्षा के क्षेत्र में लोग यही कह रहे हैं कि 10 साल में काम तो काफ़ी हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी विद्यालय हैं, सरकारी महाविद्यालय हैं, उनको थोड़ा और सुधार करने की, उनमें थोड़ी और आवश्यकता जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं। बाकी लगभग हर क्षेत्र में, चिकित्सा का क्षेत्र हो, कानून की दृष्टि की बात हो, सड़क की बात हो, किसानों की बात हो, वहाँ उस हर क्षेत्र के अंदर सभी लोग अच्छा ही बता रहे हैं। लो जी, लो बाबूजी एक बार और कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ कमी शायद रह गई है, बाबूजी से सुनेंगे। जी बाबूजी बताओ। अगर नौकरियों के बारे में सुधार कर देना तो वो सबसे बड़ी बेहतर है ये बीजेपी सरकार। ये जो बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, इसमें बच्चे हो रहे जोड़ने जा रहे हैं। हरियाणा में भी है क्या पेपर लीक की समस्या? हरियाणा में भी सबसे बड़ी बात है, पेपर लीक हो रहे हैं। हाँ जी, अगर इसमें सुधार किया जाए तो बहुत बढ़िया सरकार है। नारनौल में थोड़ी है पेपर लीक की समस्या? नारनौल में नहीं, हाई लेवल पे जो SSC के वगैरह के होते हैं ना, उनमें ये घोटाला चल रहा है। देखा आपने जिस प्रकार से इन्होंने कहा पेपर लीक की जो समस्या है, हालांकि नारनौल का उसका कोई, नारनौल से उस समस्या का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हरियाणा में, ऑल ओवर हरियाणा की इन्होंने एक बात बताई है, पेपर लीक की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए एक नासूर बनती जा रही है। उसके लिए ज़रूर इन्होंने कहा है कि हाई लेवल पे अगर इस समस्या से छुटकारा पाने के प्रयास किए जाएँ, तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए भी वो काफ़ी अच्छी चीज़ वो साबित होगी।